हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं दंगल। आज बात किसान आंदोलन के खात्मे से लेकर सियासत की जलती भट्टी की, जिसकी लपटें यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष लगातार जलाए रखना चाहती है। सरकार ने 3 कृषि कानूनों को खत्म करके अन्नदाता के गुस्से को खत्म कर दिया, लेकिन विपक्ष पर आरोप है कि वो किसान के बहाने राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस बीच किसानों की आज से घर वापसी शुरू हो गई। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर करीब साल भर से तंबू गाड़े किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आंदोलन खत्म होने के बावजूद ये मुद्दा सरकार के लिए सिरदर्द बना रहेगा? क्या राकेश टिकैत आने वाले चुनाव में बीजेपी के रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं? क्या विपक्ष किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर योगी और मोदी सरकार पर लगातार फायरिंग करती रहेगी? ऐसे ही सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उखड़ने लगे तंबू, बोरिया बिस्तर समेटने लगे अन्नदाता, ट्रैक्टर का रुख घर की तरफ मुड़ने लगा। 389 दिनों तक दिल्ली की सरहद पर डेरा डाले किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जो साल भर से अन्नदाता के आंदोलन का गढ़ बन गया था। किसान तो लौटने लगे हैं, लेकिन कई सवाल छोड़ गए हैं जिसका जवाब किसान नेता राकेश टिकैत दे रहे हैं। हाँ, हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ से, 15 तारीख में जाएंगे, क्योंकि आज सिंघू से टिकरी से यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग जी। और हम कल चंडीगढ़ जाएंगे, फिर अमृतसर जाएंगे 13 तारीख में, 14 तारीख में जो अलग अलग धरने हरियाणा में चल रहे उन पंचायतों में शामिल होंगे, उनको सबको समापन करवाते हुए फिर वापसी आएंगे 14 तारीख में, फिर यहीं आकर रुकेंगे। और जब तक उम्मीद है कि बहुत धरने, क्योंकि हजारों धरने देश में हैं, तो सबको घर वापसी भेजने का काम कर। आंदोलनकारी किसानों की सबसे बड़ी 3 कृषि कानूनों के खात्मे की मांग पर केंद्र ने जिस दिन मुहर लगाई, उसी दिन आंदोलन खत्म होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। हालांकि किसान नेता अब भी कई सारी मांगों को लेकर सरकार से राबता कर रहे हैं। किसानों की नजर अब इस बात पर है कि कृषि मंत्रालय के सचिव ने जो लिखित वादे अपने पत्र में किए हैं, उन पर कब और कितना अमल हो पाता है। आंदोलन के दौरान किसानों से केस वापसी अहम मुद्दा था, जिस पर सरकार ने ठोस वादा किया है। एमएसपी के लिए बनने वाली कमेटी पर भी किसानों की नजर रहेगी। बिजली कानून भी किसान अपने हिसाब से चाहते हैं, साथ ही किसान मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। वहीं जिन किसानों पर केस हुए उनकी वापसी की भी मांग किसान कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसानों की अब भी नजर है। किसानों के इन मुद्दों को लेकर आम सहमति बनती दिख रही है, लेकिन राकेश टिकैत सियासी चिंगारी जलाए रखना चाहते हैं। आंदोलन की ट्रेनिंग है, ये आंदोलन की ट्रेनिंग हुई 1 साल की, तो इनके अनुभव रहने चाहिए। आपको विश्वास है सरकार पर? सरकार पर तो सभी को विश्वास रहता है, सरकार करे ना या करे, हम 1 साल से विश्वास पे ही तो बैठे हैं यहाँ पे। क्या राकेश टिकैत जैसे किसान नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? पंजाब और यूपी में किसान आंदोलन का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी से किसानों की नाराजगी पूरी तरह खत्म हो गई? क्या बीजेपी को अब किसान आंदोलन का चुनाव में नुकसान नहीं होगा? क्या विपक्ष किसान आंदोलन को गरमाए नहीं रखना चाहेगा? एक ऐतिहासिक जीत हुई, एक ऐसी ऐतिहासिक आंदोलन की, एक आंदोलन जो न सिर्फ ऐतिहासिक, एक शांतिपूर्ण आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो पूरी दुनिया भर में चर्चित था, आज उस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई है। स्वर्णिम अक्षरों में इस आंदोलन का नाम लिखा जाएगा। हम ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जितनी भी मांगे सरकार ने मानी है आज लिखित रूप से, उन सभी मांगों को सरकार अमली जामा जल्दी पहनाने का काम करेगी। हम बारीकी से बात क्रियान्वयन जो आज माना गया उनको देखेंगे सरकार की ओर से। यहाँ ना हार का विषय है ना जीत का विषय है, लोकतंत्र विजयी हुआ। और मोदी सरकार और बीजेपी किसान के हित के लिए कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है, कटिबद्ध रहेगी सर। और विशेष इसमें अगर कोई जीता है तो पंजाब जीता है, पंजाबी जीती है, पंजाब का एकता जीती है। और उन ताकतों की हार हुई है जो किसान आंदोलन की आड़ के अंदर पंजाब का के अंदर अशांति फैलाना चाहते थे।
किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई, लिहाजा चुनाव से पहले बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। ये अहंकार की हार नहीं है, ये देश हित में लिया गया निर्णय है। किसान हित में कानून बनाए थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान हित में हमने बिल पास किए थे और देश हित में हम इन्हें वापस लिए। किसान नेताओं ने बहुत कोशिश की कि यह आंदोलन सियासत की भेंट न चढ़ पाए, हालांकि इसमें वो कामयाब भी रहे, लेकिन मोदी सरकार पर हमले के लिए विपक्ष ने हमेशा इसे हथियार बनाया। यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष अन्नदाता के गुस्से की आग को भड़काए रखना चाहता है, वहीं बीजेपी किसानों के गुस्से के ताप को चुनाव से पहले किसी भी सूरत में खत्म करना चाहती है ताकि इसका असर वोटरों पर ना हो। अमित भारद्वाज, हरमीश शाह सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन सियासी चिंगारी अभी बाकी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से तारुफ आपका करा दें। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णमीर चौधरी हैं, भारतीय कृषक समाज के नेता, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु कुहार इस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम सीधी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिमन्यु कुहार साहब, सबसे पहले सवाल तो आपसे, इसको स्थगित क्यों कह रहे हैं, इसको खत्म क्यों नहीं कह रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, ये क्यों कह रहे हैं कि आंदोलन स्थगित हुआ है? देखिए, इसके कई कारण हैं जिसके कारण हम जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं बल्कि स्थगित हुआ है। नंबर एक, किसानों की समस्याएं अभी बहुत ज्यादा बाकी हैं। अभी कर्ज मुक्ति की लड़ाई अभी लड़ी जानी है, अभी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP दिया जाए किसानों को, इसकी लड़ाई लड़ी जानी बाकी है। तो किसानों की अभी ढेर सारी समस्याएं अभी बची हुई है। दूसरी बात, जो हमसे चिट्ठी में जो बात लिखित में कही गई है वो बात धरातल पे भी लागू होनी चाहिए। इसके लिए हम 15 जनवरी को अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो अगर सरकार 15 जनवरी तक इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाती जो उन्होंने कमिटमेंट की है, तो हम अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। देखिए, हमें एक चीज समझना चाहिए, हम इस पूरे आंदोलन को किसी पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ उससे हम ज्यादा अलग तरीके से देखना चाहते हैं। ये बात किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार की नहीं है, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, 1990 के दौर से जब से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट की जो है पॉलिसीज आई, कभी WTO के नाम पे, कभी डंकल प्रस्ताव पे, तब से हिंदुस्तान के किसानों का शोषण लगातार बढ़ता चला गया। हम पहले दिन से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, हम ये बात कह रहे हैं, ये फ्री मार्केट पॉलिसीज आज से 4 दशक पहले अमेरिका में लाई गई। अमेरिका में किसानों का क्या हाल है? अमेरिका में किसानों के ऊपर $425 बिलियन का कर्जा है। अमेरिका में किसान को वहां की सरकार 42 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। अगर ये कानून, अगर ये फ्री मार्केट पॉलिसीज, अगर ये WTO के नियम इतने अच्छे होते तो अमेरिका के किसान का भला क्यों नहीं हुआ? ये आंदोलन के चलते चलते जब स्पेन के किसानों ने, स्पेन की सरकार ने अपने किसानों के लिए नियम बना दिया कि कोई भी व्यापारी किसान की किसी भी फसल को लागत मूल्य से नीचे नहीं खरीदेगा, तो इसी तरीके से हमारी सरकार किसानों के लिए एक एश्योर्ड इनकम के लिए कानून क्यों नहीं बना सकती? और ये स्थिति तो तब है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2011 में मुख्यमंत्री होते हुए दलील दी थी कि भाई किसानों के लिए MSP की गारंटी होनी चाहिए, यदि MSP गारंटी नहीं होगी तो MSP का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज वो प्रधानमंत्री की खुशी पे है, आज उनके पास मौका है। हर 45 दिन में समीक्षा बैठक की बात आप कर रहे हैं, अगर, क्योंकि जैसा आप कहते जा रहे हैं सरकार पूरा सपोर्ट करती हुई फिलहाल दिख रही है, जो भी आपकी मांगें थी उस पर आश्वासन मिला, लिखित तौर पर मिल चुका है वो आश्वासन आपको, अगर ये बात जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, कमेटी बनी रही है, आगे उसी तरीके से उसी दिशा में चल रही है, तो ये समीक्षा बैठक तो आप खत्म कर देंगे ना, कि उसको भी 45 दिन में हर बार आप समीक्षा बैठक करते रहेंगे? नहीं, देखिए, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि सभी किसान संगठन अलग अलग विचारधाराओं के वो एक बैनर के नीचे इकट्ठे हुए हैं। तो हम SKM को कैसे मजबूत करें, देशव्यापी उसका प्रभाव कैसे बनाएं, ताकि आने वाले समय में किसी भी राज्य में या केंद्र में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो किसानों के खिलाफ कोई भी नियम कानून ना बना पाए। इसलिए समीक्षा बैठकें तो होनी चाहिए, किसानों का इनसे भला होगा। और एक बात इस आंदोलन ने तय कर दी है, दिल्ली की कुर्सी पे जिसको बैठना है, दिल्ली की गद्दी पे जो बैठना चाहता है, उसको किसान के हित में काम करने पड़ेंगे। यदि कोई किसान के खिलाफ काम करेगा तो ये किसान को हम उसे गद्दी से उखाड़ के फेंक देगी। कृष्णमीर चौधरी साहब, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये अब स्थगित नहीं है, आंदोलन हमारा जारी रहेगा, समीक्षा बैठक भी हम करेंगे और हम अब अपनी रणनीति, यानी कुल मिलाकर जो समझ आ रहा है वो ये कि ये जो संयुक्त मोर्चा बना है ये कहीं टूटे ना, और क्या कहीं आप देख रहे हैं ये अलग दिशा में भी राजनीति के तौर पर कहीं आगे बढ़ रहा है, इसलिए भी इसको खत्म नहीं किया जा रहा है? आपकी समझ क्या कह रही है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह अर्पिता कि जिस पॉलिसीज की वजह से इस देश के गरीब किसान का शोषण हुआ, मैं पंजाब हरियाणा के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनको तो एमएसपी पे खरीद हो ही रही थी। इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, 86% किसान, जिसका भारी शोषण हुआ है। और अगर हम बैक टू पेवेलियन वहीं पहुंच गए हैं तो उसका शोषण होता रहा, आगे भी होगा। और जीत हुई उनकी जिनको एमएसपी मिल रहा था, पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, जो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत थे। उन्होंने अपने आर्थिक मजबूती के आधार पर अपने जो दो नए कानून में उनके लिए समस्याएं खड़ी हो रही थी उसका समाधान उनको मिल गया, उनकी जीत हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पंजाब के बाजार की ताकतें थी उन्होंने अपनी बात को अपने धन के बल पर जीत ली। यानी कृष्णवीर चौधरी, क्या इसको इस सवाल तरीके फिर से मैं कह रहा हूं कि कुछ कि इस क्योंकि देश के आप गरीब हमेशा से समर्थन में रहे हैं, आप सर हमेशा से समर्थन में रहे हैं, तो क्या आप इसको अपनी हार के तौर पर देख रहे हैं या उन किसानों की हार के तौर पर देख रहे हैं जो इस तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में थे? तो क्या ये माना जाए कि अगर आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो आपने गलत किया, जैसे वो आंदोलन कर रहे थे आपको भी आंदोलन समर्थन में करना चाहिए? ये हार उन गरीब किसानों की है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास पैसा नहीं था बड़े बड़े उसमें व्यवस्था करके और धरना देने का। अगर वो इस बात को शांति, वो तो अपना बैठे रहे कि भाई सरकार ने हमारे लिए कानून बनाया, हमारे हितों के लिए बनाया। ईमानदारी ये है अर्पिता कि गांव में उसका शोषण किया जाता है और गांव से शोषण उसका शुरू होता रहा है, आखिर उसके शोषण से उसे मुक्ति मिलने का रास्ता खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, मेरा देश के सामने सवाल है। और जो कमेटी बनी है प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो कमेटी उन गरीब किसानों के अधिकारों के लिए सभी लोग मिल बैठकर, इस देश में बहुत सारे किसान संगठन नहीं इसी से जुड़ा, सब से सलाह करके अभिमन्यू जी से एक मिनट अर्पिता, किसान कर्जे में ही दबके मरा उन पॉलिसीज की वजह से आज फिर वहीं चले गए। 23 फसलों का एमएसपी है, 265 फसल इस देश में पैदा होती है। नॉर्थ ईस्ट में अनानास है, हल्दी अदरक है सबसे ज्यादा, साउथ में देखिए रबर है, काली मिर्च है, मसाले हैं, नारियल है, सब कुछ है, और मछली पालन है, मुर्गी पालन है, दूध उत्पादक करने वाले किसान है। मेरा यह मानना है कि गरीब की व्यवस्थाएं ऐसी हो, कानून की व्यवस्थाएं के जिससे उसका शोषण बंद हो सके, ये हमारी बात रही है। और इसी बात के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर अपने जीवन भर लड़ते रहे और हम लोग सब साथ लड़ते रहे, इसलिए हम इस बात के वो थे कि बाजार ने शोषण किया, बाजार से मुक्ति मिली। अभिमन्यु कुहार, देखिए जो कमेटी जिसपे एमएसपी गारंटी कानून की बात जो हो रही है, वो जो कमेटी बनी है, आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ आपका मोर्चा ही कह रहा है कि हमारे ही प्रतिनिधि वहां होने चाहिए? क्या बाकी किसान अगर अपने मुद्दे उठाना चाहे, जैसे कृष्णवीर चौधरी बोल रहे हैं, ये कई मुद्दों पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहां यहां भी समस्याएं हैं, तो क्या ऐसे किसान नेताओं को या संगठन को और शामिल नहीं करना चाहिए? और साथ ही साथ जो संगठन आपसे चिटक गए इस आंदोलन के बीच, क्या उनको फिर से आप लाएंगे अपने साथ? आपत्ति क्यों थी कि और संगठन ना हो, सिर्फ आप ही के प्रतिनिधि हो वहां पर? देखिए, एसी के बंद कमरों में बैठ के, अच्छे सोफों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने वालों को हम किसान नेता नहीं मानते। जिन लोगों ने 0 से 50 डिग्री के तापमान में 750 से अधिक कुर्बानियां दी, 750 से अधिक शहादत दी, जिन्होंने शहादत दी वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के भाई थे, तो जिस संगठन ने, जिस एसकेएम ने एमएसपी की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो उसी की डिमांड पे तो कमेटी बनी है ना। सरकार क्या चाहती है? सरकार अपने दरबारी और सरकारी तथा कथित किसान संगठनों के नेताओं को लाके वहां पे बहुमत बनाना चाहती है। वे सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रायोजित लोगों को बुला लिया जाए, उसके अलावा जो सरकारी संगठन है उनके लोगों को बुला लिया जाए, जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी में थे, जो कानूनों के पक्षकार थे, उनको बुला लिया जाए। इस तरीके से वो अपना बहुमत बनाना चाहते हैं। मैं इनको एक बात कहता हूं, यदि ये भी चाहते हैं, यदि इनकी कोई मांग है, ये उस पर आंदोलन लड़े ना, ये उस पर पहले सड़कों पर बैठकर। कृष्णवीर चौधरी साहब, गलती ये हो गई कि आप पक्ष में थे लेकिन आपने आंदोलन नहीं लड़ा। अगर आप आंदोलन लड़ते तो आपकी बात भी सुनी जाती। मैं आपसे कमेंट्स लूंगी, अभय दुबे पास अभी तक नहीं जा पाई हूं। अभय जी, आपका कमेंट रहेगा जल्दी से, क्योंकि देखिए बहुत सारी डिमांड थी, अब वो डिमांड राज्यों पर भी निर्भर करती है कि एफआईआर वापस लेने की बात हो पराली के केसेस में या और जो डिमांड है किसानों की। जहां जहां आपकी सरकार है, पंजाब में तो फैसला हुआ है, बाकी के लिए क्या सोच रहे हैं आप?
अर्पिता जी, ये तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस आंदोलन का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कृषि के दूर काल काले खाने में पहला निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी ने, किसानों की जमीन जमीन हड़पने के 3 अध्यादेश लेकर आए। फिर किसानों का 150 रुपए का गेहूं और धान का बोनस बंद करा दिया, जो केंद्र नहीं देता था, जो राज्य देते थे। उसके बाद इन्होंने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना, अरे साहब फिर गुजरात प्रांत में क्यों बंद कर दी। उसके बाद आपने 25,000 रुपए खेती की लागत बढ़ा दी है प्रति हेक्टेयर, जानते प्रधानमंत्री जी, अब 6,000 रुपए दे रहे हैं। 15 करोड़ हेक्टेयर का किसान खेती करता है, 2,000 करोड़ रुपए निकाल। अगर नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ चले, एक सेकेंड सर, ये बहुत होता है, सरकार ने क्या नहीं किया, ठीक है, जहां आपकी सरकार है, नहीं सर मुझे गिना दीजिए, आपकी जहां सरकार है वहां पर कौन कौन सी ऐसे सुधार की नीति किसानों के लिए आप लेकर आए हैं, क्योंकि यहां दो किसान नेता बैठे हुए हैं, वो बखूबी समझ पाएंगे कि जो फैसले आपकी सरकार ने लिए वो सही थे, जनता भी समझ पाएगी कि यही फैसले सरकार को भी ले लेने चाहिए, केंद्र सरकार को। आप अपने राज्य की उपलब्धियां बताएं और किसानों के लिए क्या किया है आपने वो जरा बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और आपके इस प्रश्न को पूरे देश, ये मेरी सार नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का भी जिक्र कीजिए। उन्होंने ही ये तय किया था कि चूंकि, और ये संविधान सभा ने देश की तय किया था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट की एंट्री 14 में कानून बनेगा, तो केंद्र सरकार को कानून बनाने से उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। और यही मोदी सरकार ने 2019 तक बेस्ट रिफॉर्म इंडेक्स के नाम पर महाराष्ट्र को बेस्ट प्राइस दिया। मैं चुनौती देता हूं, ये सारे के सारे प्रावधान पहले से लागू थे जो मोदी सरकार इन कानूनों में लेकर आई है। क्या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट नहीं था, क्या ई ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रोविजन नहीं था, सारे थे। सिर्फ इसेंशियल कमोडिटी है जिसमें पूंजीपतियों को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी, वो कानून नहीं था। तो ये एक स्कैम करना चाहते थे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दो तरीके से सिर्फ आखिरी बात करता हूं। एक तो शांता कुमार कमेटी ने कहा था कि मोदी जी कम दाम में आप जो अनाज इंपोर्ट कर रहे हो उससे प्राइजेस क्रेश हो रही है और किसान तबाह होगा। उसके बाद रबी फसल की सीएसईपी की रिपोर्ट, खुद लागत और मूल्य आयोग ने यह बताया कि मोदी जी समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद कर ऐसे समय बाजार में उतार रहे हो जब किसानों की फसलें आने वाली होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ सिर्फ सुनिए ना, ठीक है, गेहूं 14% घुमा दिया सर, मैं बहुत सीधा ही समझना चाह रही, कुछ पॉइंट्स आप बता पाएंगे क्या, पंजाब में, राजस्थान में, जहां जहां आपकी सरकार है, क्या नीतियां रखी आपने किसानों की बेहतरी के लिए, कुछ आप लेकर आए? पुराना हम अगर छोड़ दें, इतिहास पे मत बात करें, अगर हम अभी जो वर्तमान चल रहा है अगर उस पर बात करें, तो आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया है जो किसानों के हित में है, जो आप लेकर आए और आप आज यहां बैठकर ये नसीहत दे दीजिए केंद्र सरकार को, ऐसा ही कुछ काम केंद्र को भी करना चाहिए। आप वो पॉइंट्स बताइए सर मुझे, 4, 5, 1, 2 जो भी पॉइंट आपके पास हो, जो भी काम किसान के लिए हुआ वो बताइए सर। अर्पिता जी देखिए, आप आगे समय नहीं देगी, पहले 10 सेकंड में सिर्फ नहीं सर, ये जनता से जुड़ा मुद्दा और उनके फायदे का मुद्दा, इसके लिए मैं पूरा समय आपको दूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन आप 5 पॉइंट मुझे गिनाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड पहले मैं एक बात अपनी ये पूरी कर लूँ। देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है जो युद्धवीर जी को भी ध्यान देना होगा, कृष्णवीर जी को भी और आपको भी। ये जो बिजली का अमेंडमेंट बिल है उसमें मोदी सरकार ने अपने ड्राफ्ट में ये प्रोविजन कर दिया है कि स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और अपीलेट बोर्ड दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, और नेशनल टैरिफ मैंने मान लिया, सारी खामियां केंद्र सरकार ने, मैं ये मान ले रही हूँ, चलिए एक बार के लिए, सारी खामियां है, बहुत सारी चीज नहीं, नहीं सर मैं मुद्दे की बात, मैं आप सर देखिए, एक बुराइयां और नेगेटिव हम बार बार कि ये यहाँ नहीं हुआ, ये यहाँ नहीं हुआ, आपकी भी तो सरकारें हैं ना राज्यों में सर, आपने क्या किया मुझे वह ये पूछ रही हूँ, अगर नहीं कुछ किया तो यहाँ कह दीजिए कि अभी नहीं किया, प्लान कर रहे हैं, खत्म कीजिए सर, मैं दूसरे गेस्ट पे जाऊँ सर, उस पर बात कीजिए, मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं सर, हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसे आपके जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां कुछ किसानों के हित में हुआ है, या सिर्फ केवल आप कमियां गिनाने के लिए बैठे हैं कि देखिए उनकी सरकार, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, आपने क्या किया सर ये बताइए ना। अर्पिता जी, खेती को 7 साल में तबाह किया, उसने सारे राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ा, कैसे किया, आप इनपुट कॉस्ट 25,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दी, डीजल के क्या कीमतें राज्य सरकार तय कर सकती थी, क्या कीटनाशक पर, क्या कृषि यंत्रों पर, क्या ट्रैक्टर पर जीएसटी राज्य सरकार तय कर सकती थी, क्या खाद की कीमतों पर, यानी राज्य सरकार खुद कुछ नहीं कर सकती, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ केंद्र की तरफ से होता है ना सर। तो ये
यानी राज्य के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सब अथॉरिटी केंद्र के पास है। अगर केंद्र वहां से कुछ अच्छा बनाएगी नियम कानून, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे। ठीक है सर, समझ गए, आपके पास कोई एक पॉइंट नहीं है जो आप कह पाए कि आपने किसानों के सुधार के लिए किया हो, एक पॉइंट नहीं है सर, पूरा देश देख चुका है। चलिए एक सेकंड, मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सर, एक सेकंड सर, मैंने इतिहास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ। गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं सर आप। सर इस वक्त राकेश त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, तमाम खामियां इन्होंने बताई, एक सवाल जो सबसे पहले जब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त हमने कृष्णवीर जी से पूछा, उन्होंने कहा कि वो किसान बहुत दुखी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तीनों कृषि कानून हटने के बाद से किसानों के लिए कम लाभदायक हो जाएंगी, फिर से उसी स्थिति में किसान पहुंच गए हैं। तो क्या सीधा मतलब यह है कि जब आंदोलन होगा तभी सरकार सुनेगी, बिना आंदोलन के सरकार नहीं सुनेगी, उन्हें भी बैठना चाहिए आंदोलन में, समर्थन वालों को? नहीं अर्पिता जी, देखिए भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी की आवाज सुनी जानी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन कृषि कानून की वापसी की उसी दिन स्पष्ट किया था कि एक अच्छा कानून हम लेकर के आए थे किसानों की बेहतरी के लिए, लेकिन किसानों का एक वर्ग जिसको बहलाने फुसलाने का काम लगातार विपक्ष कर रहा था उसको हम नहीं समझा पाए, इसलिए कृषि कानूनों को वापस ले रहे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभय दुबे जी अभी कह रहे थे कि ई ट्रेडिंग पहले से चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है, केवल मंडियों के संदर्भ में कुछ आपत्तियां इनकी हैं। यही बात तो बार बार हम पूछते रहे ना, क्या आपत्तियां हैं, आपत्तियों पर डिस्कशन करिए, हम संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष लगातार बहलाने के लिए लगा रहा, फुसलाने के लिए लगा रहा, किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करता रहा। आज के दिन में जब प्रधानमंत्री जी एक 42 वर्षों से लंबित परियोजना का, जो सिंचाई परियोजना है, उसका लोकार्पण करते हैं तो 30 लाख किसानों को उससे लाभ मिलता है। आज उससे 25 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन की संभावनाएं बढ़ती है, 50,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचेंगे। इससे हमने किसानों के लिए लगातार प्रयास किए हैं, काम किए हैं, लेकिन ये केवल अफवाह फैलाते रहे, बरगलाते रहे और उसकी परिणति इस रूप में देखने को आई है। लेकिन हम किसानों की बेहतरी के लिए, यानी आप ये कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी कि आप समझा नहीं पाए और दूसरे का बहकावा इतना मजबूत रहा कि किसान बहक गए, है ना? अर्पिता जी एक 10 सेकंड में रिप्लाई देना चाह रहा हूँ। अर्पिता जी मैंने इसको आप सब कहा, देखिए हम चाहते नहीं, यही मतलब है ना, यही मतलब है ना कि वो बहकाने में कामयाब रह गए, आप समझाने में कामयाब नहीं रह पाए। ठीक है, अभय दुबे जी जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से सर। देखिए अर्पिता जी कैसे समझाया, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं राकेश जी, 28 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में कहा था कि किसान भाइयों मैं 2022 तक आपकी आमदनी 5 गुनी कर दूंगा। अभी सितंबर 2021 में एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी, प्रधानमंत्री जी ने दी, उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान की आमदनी मात्र 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है और 74,000 रुपए का कर्ज हो गया। ऐसी कौन सी नीतियां ला दी आपने? और अगर कांग्रेस की उपलब्धि पढ़नी है तो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, अगर कांग्रेस की उपलब्धि पढ़नी है तो मोदी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में 2016 में एफिडेविट फाइल किया है उसको पढ़िए। शांता कुमार कमेटी ने कहा कि कुल मिलाकर अभय दुबे जी आपकी बातों के इतिहास, भूगोल और ज्योग्राफी सब चीज समझे तो कुल मिलाकर ये है कि आपने बहुत कुछ इतिहास को खंगाले भी तो कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, लेकिन सवाल ये है किसान आत्महत्या करना बंद तो नहीं कर दिया उन्होंने? किसानों की स्थिति अच्छी तो नहीं हो गई? अगर अच्छी होती तो ये स्थिति नहीं होती सर। ठीक है, कमियां सब में रही हैं। हमारे साथ युद्धवीर सिंह जी भी हैं, आर यू राकेश जी, उनको भी जल्दी से चर्चा में मैं शामिल करना चाहूंगी, महासचिव हैं बीक्यू पार्टी के। युद्धवीर सिंह जी, 5 सदस्य की जो कमेटी बनी आप भी उसके सदस्य हैं, किस तरीके की मांगे आपने रखी हैं, क्या क्या भरोसा सरकार की तरफ से आपको मिला है और क्या बिल्कुल भरोसा सरकार पर आपको नहीं है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन स्थगित हुआ है, हमने आंदोलन खत्म नहीं किया, तब जब सरकार कमेटी बनाने को तैयार हो गई, तब जब सरकार ने बकायदा लिखित तौर पर स्टैंप लगाकर आपको पेपर दे दिया, फिर भी आपको भरोसा नहीं है सरकार पर? देखिए अर्पिता जी, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया, कमेटी पे भरोसा उठा क्यों? कमेटी तो छोटी होती है, किसान आयोग बनाया गया 2007 में, उसकी रिपोर्ट आई और कांग्रेस ने तो उसे लागू नहीं किया, लेकिन बीजेपी 2014 के मैनिफेस्टो में लेके आई कि हमारी हम सत्ता में आए तो C2+50 जो रिकमेंडेशन थी स्वामीनाथन आयोग की उसको लागू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2011 में रिपोर्ट देते हैं, कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे, कि MSP की गारंटी के बिना
जो है किसान का जिंदा रहना मुश्किल है, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। प्रधानमंत्री अपनी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करते हैं जो उनके पास रखी है। प्रधानमंत्री 2014 की वायदा में चुनावी वायदा जो था, जो किसान आयोग की रिपोर्ट थी, उसको लागू करने से मुकर गए। तो पूर्व का इतिहास जो कमेटियों का है, कमेटियों का असर क्या होता है, या तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती हैं, रिपोर्ट दे दें तो वो रिपोर्ट धूल फांकती रहती है, 20-20 साल पड़ी रहती है। हम एक कमेटी के सदस्य थे जो CACP को लेके बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में पड़ी हुई है पिछले 7 साल से। तो क्या यकीन करें, क्या भरोसा करें, इन्होंने किसी कमेटी की रिपोर्ट लागू आज तक की हो तो भरोसा हो। ठीक है, हमने मान ली, स्वीकार किए और हम जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर उम्मीद है शायद ये कर दें, लेकिन हम सोएंगे नहीं जाके, हम नज़र रखेंगे। और इन्होंने कोताही बरती उसमें, और हमको लगा कि ये भी पूर्ववर्ती जो हमारे साथ घटित हुआ है उसी लाइन पे चल रहे हैं, तो बैठेंगे नहीं, उस बात को याद दिलाते रहेंगे, और दोबारा हमको लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे भी उस बात को लेकर। राकेश त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री ही ये बात कह रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि ये MSP गारंटी कानून लाना चाहिए, ये सबसे फायदेमंद है किसान को लेकर, उसके बाद अब जो कमेटी बनी उस पर भी उनको भरोसा नहीं है, सारी बातों से मुकर रहे हैं, क्यों? देखिए, मैं युद्धवीर जी की इस बात से बिल्कुल तफाक नहीं रखूंगा, मैं सहमति व्यक्त करूंगा। आप अगर पूर्वाग्रह के साथ पहले ही इस कमेटी में है तो इस कमेटी में आपके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं, अगर आप पहले से ही पूर्वाग्रह रख रहे हैं। हम जब लोकतंत्र में संवाद की परंपरा के पर विश्वास करते हैं तो कमेटी में बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, आपके जो भी मुद्दे आपको लगते हैं, आपके जो पॉइंट्स लगते हैं, आप अपने पॉइंट्स रखिएगा। आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात की, स्वामीनाथन जी ने, स्वामीनाथन जी स्वयं एक लेख लिख करके इस बात के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की। स्वयं राकेश टिकैत जी इन कानूनों के आने के बाद प्रशंसा कर रहे थे कि ये कानून किसानों के लिए हित में है। अलग अलग कालखंड में राय बदलती रही है, आपके अपने संगठन के भीतर ही राय बदली है अलग अलग समय पर। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में एक के बाद एक लगातार फैसले लेने का काम किया है, किसानों की फसल को दोगुनी करने के लिए प्रयास किया है। किस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना हो, तमाम सारी ऐसी नहर परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं हैं जिसको रिकॉर्ड समय में अलग अलग राज्यों में आज केंद्र की सरकार के सहयोग से पूरा किया गया है। आज किसान एक आरोप विपक्ष आप पर लगाता रहा है, जो नेता आंदोलन कर रहे हैं किसानों का, वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि आप किसानों का भला सोच रहे हैं, तो किसानों से तो बात कर लेते। राकेश त्रिपाठी, नहीं देखिए, किसानों से संवाद भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, लेकिन चूंकि एक गतिरोध बना, एक अवरोध बना इन कृषि कानूनों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों किसानों के तीनों किसान बिल वापसी की घोषणा की है। हमने इसके बाद ये तय किया, लंबा ले लिया ना आपने, एक साल से ऊपर किसान बॉर्डर पर बैठे रहे और आप संवाद कर रहे हैं, संवाद क्या 1-1.5 साल चलता रहेगा? 12 बार संवाद हुआ है, संवाद से हल निकालना, सिर्फ संवाद जरूरी नहीं है, हल निकालना जरूरी था। ये मानिए सर, संवाद में भी कहीं कमी रह गई होगी कि जल्दी हल नहीं निकल पाया। अपनी बारी में मैं आ रही हूँ, तब तक हम संवाद नहीं करेंगे। और ऐसे डेडलॉक को तोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा दिल दिखाने का काम किया है। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कदम को एक बड़े दिल के रूप में देखा जाना चाहिए। देर हो गई संवाद करने, राकेश त्रिपाठी जी देर हो गई थोड़ी, बस चुनाव बिल्कुल देर नहीं की। सरकार ने लगातार प्रयास किया बातचीत के लिए, सरकार ने कभी भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। 11 दौर की वार्ता हुई है, एक बार भी कृषि कानूनों में खामियां क्या है, कमियां क्या है, खुले मंच पर कभी भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बावजूद सरकार ने अपना बैकस्टेप किया। सरकार बड़े मन से सामने आई कि हमारे ही देश के नागरिक हैं। त्रिपाठी जी ठीक है सर, संवाद करने के लिए। अरे एक सेकंड, अबे दुबे, उपचुनाव की हार की वजह से इन लोगों ने ये निर्णय लिया है, हम हमसे मत पूछिए। वरुण गांधी क्या कह रहे हैं, 17 जिलों में किसानों ने फसल जला दी, फसलों की खरीद नहीं हो रही। आपकी NSSO की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी तो पढ़ते होंगे ना, अभी आई, अभी स्वामीनाथन जी का जिक्र कर रहे थे। हमारे युद्धवीर सिंह जी, में बड़ा आदर करता हूँ, मोदी जी ने शपथ पत्र दिया कि 201 सिफारिशें थी, उसमें से 175 14 जनवरी 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने लागू कर दी थी। क्यों नहीं आज तक आंदोलन हुआ समर्थन मूल्य का इतना बड़ा? क्योंकि लागत 25,000 रुपए हेक्टेयर कोई सरकार ने 5 साल में नहीं बढ़ाई, जो इन्होंने बढ़ा दी। पे दाम नहीं मिल रहे किसानों को। वरुण गांधी कह रहे हैं कि गन्ने के 400 रुपए आपने कभी दिया था। ठीक है, अबे दुबे जी एक सेकेंड, युद्धवीर सिंह जी, यानी आप
इत्तफाक रख रहे हैं अभी दुबे जी की बात से कि पहले कांग्रेस की सरकार में बहुत कुछ किसानों को लेकर हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही है? देखिए, ऐसा किसान की जो दुर्दशा हुई है वो एक 7 साल में नहीं, 70 साल में हुई है। हम लेकिन अब पूर्ववर्ती सरकारों पे अगर हम डालते रहेंगे, ये लोग किसानों ने सत्ता परिवर्तन किया, ये आज जो सत्ता में आज का सत्तारूढ़ दल है, ये किसानों की नाराजगी और किसानों की वजह से ये लोग सत्ता में आए थे और इनके तमाम वो वायदे थे जिनकी वजह से किसान पीड़ित था। ये किशन वीर जी बैठे हैं, मेरे साथी हैं, इनको ज़्यादा समय बीजेपी में आए नहीं हुआ। ये जो तमाम बातें आज हम उठा रहे हैं, ये हमारे साथ उठाते रहे मंचों पे, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी में जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा। भाषा नहीं बदलनी चाहिए आदमी को, स्वर बदलते हैं। ये देखिए, स्वर बदल गए। पहले एक मंच हुआ करता था, मुद्दे किसान के हुआ करते थे, लेकिन अब आपके मुद्दे किसान से हटकर कहीं और चले गए। देखिए अर्पिता जी, हम और युधवीर जी, राकेश, हम लोग बहुत लंबे समय से साथ हैं और आप ये देखिए कि 2018 में एक मीटिंग में, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, युधवीर जी भी और हम लोगों ने कहा था, सरकार से आग्रह किया था कि 10,000 रुपये साल का रखा जाए। तो वो जो भी शुरुआत हुई, हम लोगों को लगा कि एक अच्छी शुरुआत हुई सीधे किसानों के बैंक खाते में जाने के लिए। आर्थिक रूप से टूटा हुआ रहता है किसान, किसान इसलिए टूटा है कि उसे उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलता। मैं बराबर इस बात को कह रहा हूं कि छोटे किसानों का सबसे ज्यादा शोषण होता है और जब तक उसे उसकी फसल का लाभकारी मूल्य, तो छोड़िए उसका लागत और उसकी मजदूरी उसको मिल जाए, ये बात मैं बराबर कह रहा हूं। और मैं ये बता दूं अर्पिता जी, मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन आग्रह का भेजा था कि ये MSP की व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी का मैंने आग्रह किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर मैं कुछ कह रहा हूं और अंदर कुछ कह रहा हूं, ये बिल्कुल नहीं है। मैं, युधवीर जी जानते हैं मेरी कार्यशैली कि हम ये चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इस देश के गरीब किसान का शोषण बंद हो और ये कमेटी, या आपने कोई राय ज्ञापन के तौर पर सौंपी थी क्या? बिल्कुल नहीं अर्पिता जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अर्पिता जी, कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई जानकारी में नहीं है। हाँ, हम और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत तो बहुत पहले से इस बात को मांग करते आ रहे थे कि भैया बाजार की ताकतों ने शोषण किया है, इससे मुक्ति दिलवा दे कोई सरकार हमको, ये हमारी मांग लंबे समय से रही है। कुल मिलाकर अभिमन्यु आज भी हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी धड़े किसानों में भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ युधवीर सिंह जी हैं, एक तरफ कृष्णवीर चौधरी जी हैं, आप भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। सवाल यहाँ किसानों की भलाई का ही एक बार फिर से उठता है, जहाँ कृष्णवीर चौधरी कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून फायदेमंद था, वहीं युधवीर जी कह रहे हैं कि ये फायदेमंद नहीं था, हालांकि चलिए वापस भी ले लिया गया, लेकिन बुनियादी सवाल तो यही है कि स्थिति सुधरेगी कैसे, क्या वो तरीके होने चाहिए और क्या वही सारे तरीके आपने अपनी 6 मांगों में भी लिखे या बार बार वही जो आप कह रहे हैं उनसे हम ये माने कि किसानों की स्थिति सुधर जाएगी, जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं? देखिए, इसके सबसे पहले तो इसके लिए जरूरी ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना चरित्र बदलें। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी विपक्ष में होती है तो तब वो किसानों के हक की बात करती है। अभिमन्यु जी देखिए, यहाँ इसलिए मैं आपको टोकूंगी, आप राजनीतिक दल के चरित्र को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुरनाम चढ़ूनी का जिक्र मैं करना चाहूंगी, चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है, यानी आपके ही मंच का नेता अगर उठकर जा रहा है तो वो किस दिशा में जा रहा है? आप उधर चेहरा बदलवा रहे हैं और आप ही के यहाँ से कोई निकलकर अपना चेहरा कहीं और बनाने जा रहा है? देखिए, अगर गुरनाम चढ़ूनी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसका जवाब वो खुद देंगे। नहीं सर, फिर आप अलग क्यों कर लेते हैं जब ऐसे सवाल उठते हैं? अगर मान लीजिए राकेश टिकैत के लिए भी सवाल उठ रहे हैं कि वो भी जा रहे हैं चुनाव लड़ने, जा रहे हैं क्या, है जानकारी? क्योंकि वो जुड़े तो नहीं, कोशिश थी हम की बात करें उनसे सीधे। ऐसा कुछ नहीं है, SKM ने साफ कर दिया, SKM एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और कोई भी SKM के नाम का इस्तेमाल चुनाव में नहीं करेगा। आपने पूछा किसानों के लिए क्या करना चाहिए। हाँ। देखिए, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये, जो स्वामीनाथन आयोग की C2+50% के अनुसार जो उनको MSP देना चाहिए वो रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से लागू होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट
कॉस्ट में क्या क्या आएगा, आपका खाद का खर्चा, आपका बीज का खर्चा, आपका दवाइयों का खर्चा, आपका इरिगेशन का खर्चा, जमीन बेशक आपकी खुद की हो फिर भी उसका किराया जुड़ेगा, जो आपके इक्विपमेंट्स है, चाहे ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, जो उसका प्राइस डेप्रिसिएशन होता है वो प्राइस डेप्रिसिएशन भी एक साल का उसमें जुड़ेगा, आपका फैमिली लेबर भी जुड़ेगा और बाहर का लेबर भी जुड़ेगा, और फिर उसमें 50% जोड़ के एमएसपी मिलना चाहिए। और दूसरा, एमएसपी का कानूनी अधिकार किसान को होना चाहिए। देखिए, कोई भी, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जो चीजें प्रोड्यूस करती है उसको अपना रेट तय करने का अधिकार होता है, तो किसानों के लिए भी एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। देखिए, अभिमन्यु ने अभी कहा कि अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एमएसपी से कम पर नहीं होना चाहिए देश के अंदर, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। दूसरी बात, मेरा निवेदन सिर्फ एक है अपने सभी मित्रों से कि भैया देखिए, सभी किसान बराबर हैं और कमेटी जो काम करे, मेरा सबसे एक आग्रह है कि वो सबके लिए कर दो इस बार। ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी 22-23 फसलों तक ही हम सीमित रहें, उनका भी सोचना चाहिए जो और दूसरी फसलें पैदा कर रहे हैं। शोषण उनका भी हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं कि शोषण वही हो रहा, ऐसे तो अभी कपास का देख लो क्या हुआ पंजाब में, 8,000 से 3,000 रुपए पे आ गया है, ठीक है, दाम कितनी तरह गिर गया अभी एकदम 15 दिन में। तो ये चीजें बाजार में है, ठीक है। अबे दुबे जी, जी जी जी, देखिए इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के तीनों प्रांतों ने कर दी थी, अक्टूबर 2020 में पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तीनों ने समर्थन मूल्य को क्या कानूनी जामा पहनाकर राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया। हमने 3 साल की सजा का प्रावधान किया, लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल की एड एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करते हैं, मोदी भी उसको स्वीकृति नहीं दे रहे, और वो अबे दुबे जी नहीं है, पूरे मैं चाहती हूँ कि आप बोले लेकिन मुझे रोकना पड़ रहा है। देखिए ना, यहाँ तीन किसान नेता बैठे हैं, वो अलग बात है, अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा ना कि केवल एक सरकार किसानों की आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। वाकई अगर आपने किया होता तो यहाँ बैठे तीन किसान नेता कुछ ना कुछ तो बोलते कांग्रेस के लिए। सर अर्पिता जी, 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी कांग्रेस ने नहीं कर दी थी, रोड कर किसानों नहीं। सर ये तो खुद की तारीफ है ना, तारीफ तब है जब दूसरा आपकी करे, ठीक है। राकेश त्रिपाठी, जल्दी जल्दी मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, ठीक है राकेश त्रिपाठी। सरकार बनते समय 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था कमलनाथ जी ने, लेकिन 10 दिन का सरकारी नहीं, 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 एक एक एकदम आराम से, अरे बिल्कुल आराम से। राकेश त्रिपाठी जी एक सेकंड, मैं दोनों लोगों को रोक दूंगी फिर, एक सेकंड। नहीं नहीं सर, अरे राकेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस की सरकार में त्रिपाठी जी परवरता, उनकी परवरता राकेश त्रिपाठी जी आपको दिख रही है, आपको टेनी साहब याद नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं फिर देखिए अर्पिता नहीं सर, अब सीधा सवाल पूछ लूंगी तो आप कहेंगे नहीं, फिर आप बचेंगे सर। नहीं, वहाँ लाठियां भांज रहे हैं, आपने एग्जांपल दे दिया आपने कहा वहाँ बर्बरता हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसानों पर अगर ट्रक चल जाता है, जीप चल जाती है, उसकी जिम्मेदारी सर क्यों? टेनी जी को हटाएंगे क्या? मैं इसलिए स्पष्ट कह रहा हूँ भाई, लखीमपुर की जिस घटना की बात आप कर रही हैं उसमें कानून अपना पूरे पूरा काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट यही जवाब अपने तुम्हें दे देंगे कि राजस्थान या पंजाब में जो हो रहा है वहाँ कानून काम कर रही है, वहाँ कानून अपना काम कर रही है सर। तो ऐसे तो जवाब चलते रहेंगे अपने अपने हिसाब से सर। अर्पिता जी देखिए, राजस्थान में शासन के निर्देश पर लाठियां चल रही है, राजस्थान में शासन के निर्देश पर बर्बरता से किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया है, आप उसकी तुलना लखीमपुर से नहीं कर सकते। लखीमपुर की घटना में जो भी पहलू है उनका कानूनी रूप से वहां विवेचना हो रही है, और पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा, जिन्होंने अपराध किया उनको सजा जरूर मिलेगी, ठीक है। एक सेकेंड नहीं कर सकती। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल आपसे है, कई जगहों पर पराली को लेकर अलग अलग मुद्दों पर किसानों पर FIR दर्ज हुए हैं, अब जो कमेटी बनेगी या जो सुझाव आपने दिए कि वो सारी चीजें वापस होनी चाहिए, अलग अलग राज्य सरकारों से आग्रह किया जा रहा है कि वो उसको वापस लें, बीजेपी शासित राज्य उसको अगर वापस ले लेते हैं और गैर बीजेपी राज्य वहां अगर इनको वापस नहीं लिया जाता, तो क्या आपका ये स्थगित आंदोलन वहां पर शुरू होगा, उन राज्यों में शुरू होगा, ऐसी कोई रणनीति आपकी? देखिए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या किसी अन्य पार्टी की हो, जो किसान के खिलाफ काम करेगी, किसान उसके घमंड को तोड़ने का काम करेगा, किसान उसके खिलाफ आंदोलन करेगा। 2014 से पहले भी किसानों ने आंदोलन किए थे और वो तमाम आंदोलन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ होते थे, क्योंकि कांग्रेस उस समय सत्ता के अंदर थी। तो इसमें कोई ये कोई उसमें किसी चीज को भी चिंता करने की बात नहीं है। जहां भी किसान का शोषण करने का काम किया जाएगा किसी भी पार्टी द्वारा, किसान उस पार्टी की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक, युद्धवीर जी,
जो ये कमेटी बनी है जिसपे तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, मुझे एक चीज समझाइए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर कि आपकी मांगे बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तीनों कृषि कानून वापस लेने की एक प्रमुख मुद्दा जो हमें समझ आ रहा था कि यही एक बड़ा मुद्दा है, एमएसपी की बात साथ ही साथ चल रही थी, इन दोनों पर बात हो गई, अलग से 6 मुद्दे लेकर आपने सरकार के पास गए, कोई आखिरी मुद्दा, क्योंकि ये कहा जा रहा है किसानों की बहुत सारी समस्या है, तो ये आपका आंदोलन जो अभी स्थगित है, जो खत्म आपने नहीं कहा है कि आप कर रहे हैं, ये कब तक चल सकता है, वो आखिरी मांग आपकी क्या होगी, तब तक आपकी लड़ाई चलती रहेगी, कुछ ऐसा डिसाइड किया है क्या, या ये मांग हर पूरी होती हुई मांग के साथ बढ़ती जाएगी? देखिए, मैं एक तो आपको बता दूं कि किसानों ने जो मांग पत्र पहले दिन सरकार को दिया था उसमें 8 मांगे थी हमारी, ठीक है, और जब हमारी विज्ञान भवन में वार्ता शुरू हुई तो उन्होंने कहा भाई एकदम से इतनी इश्यूज पे बात करना संभव नहीं है, तो 4 मांगे हमने पहले छोड़ के, 3 कृषि कानून, MSP, बिजली वाला और पराली वाला, 4 मुद्दों पे हमारी चर्चा वहाँ शुरू हुई। 2 पे हमारी सहमति बन गई थी, सरकार ने कहा था कि बिजली बिल को जो है संसद में नहीं रखा जाएगा और कृषि को इससे बाहर रखा जाएगा, ये वादा कर लिया था, और पराली वाले में ये कहा था कि इसको वापस ले लिया जाएगा। 2 मुद्दे बचे थे, 3 कानून के और MSP के। हम वहाँ कहते रहे कि अगर 3 कृषि कानून पे अभी नई सहमति बन रही है तो MSP को डिसाइड कर लो, और कृषि मंत्री बार बार ये कहते रहे कि 3 कानूनों पे फैसला हो जाए फिर MSP की बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है, नया एक भी शब्द हमने नया अपनी मांग में जोड़ा नहीं है, कोई भी शब्द नहीं जोड़ा। और जहाँ तक रही बात आंदोलन की, समस्याएं रहेंगी तो आंदोलन भी रहेंगे, आंदोलन कोई इस 7 साल में आंदोलन नहीं हुए हैं देश में, जब से ये जो मानव जाति का इतिहास है ग्रीवेंसेस के खिलाफ आंदोलन हमेशा से रहे हैं। आंदोलन तो जो इस समस्या आएंगी तो आंदोलन भी चलेंगे, समस्या का निराकरण करने का तरीका यही होता है, तो कोई उसका एग्रीमेंट करके नहीं दे सकता कि ये अंत है आंदोलन का और इसके बाद आंदोलन नहीं करेंगे, समस्या तो आनी है और समस्या आएगी, आवाज उठानी पड़ेगी उसके खिलाफ, तो ये कोई बात नहीं। और ये जो अभी मैं एक सेकंड अभी पूर्व में कहा गया कि मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, अभी कोई मेंबर किसी कमेटी के नहीं बने हैं, वो जो 5 सदस्यीय कमेटी थी वो बनाई गई थी इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए, उस कमेटी का काम खत्म हो गया। MSP पे अभी कोई ना तो सरकार ने नाम मांगे हैं, ना कोई नाम दिए गए हैं, ना कोई उसका मेंबर है। ठीक है, लेकिन रहेंगे तो उसमें आपके ही संयुक्त किसान मोर्चा के ही सदस्य ना? नहीं, सरकार बताएगी कितने आदमी चाहे वो हमारे आप ही के मोर्चे के ही लोग रहेंगे ना, आपने ये कहा है ना कि बाकी और अन्य संगठन किसान के जो हैं जो आपके साथ नहीं है उनका कोई नेता वहाँ प्रतिनिधित्व ना करे, आपके ही संगठन के नेता वहाँ प्रतिनिधि के भूमिका में हो, ये बात हुई है ना सर? ये हमारी मांग है। हाँ। क्योंकि MSP की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, नहीं इसे माना नहीं गया। अच्छा। इसे नहीं माना गया, बिल्कुल सरकार ने वही बात रखी है कि अन्य संगठनों के साथ किसान SKM के लोग भी उसमें रहेंगे, वही बात है जो सरकार पहले कह रही थी वही इसमें है, ऐसी कोई सहमति बनी नहीं है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, 10-10 सेकंड है मेरे पास, देखिए, और आप दोनों अगर एक साथ ना बोले तो मैं अभय जी को भी और आपको भी 10-10 सेकंड दे पाऊंगी। राकेश त्रिपाठी जल्दी से आप अपनी बात रखिए, आ रही हूं अभय जी। देखिए, मैं पिछले एक सप्ताह में केवल बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले एक सप्ताह के भीतर ही फर्टिलाइजर कारखाने के उद्घाटन से लेकर के और आज जिस तरह से बलरामपुर में सिंचाई की एक बड़ी परियोजना का लोकार्पण करने का काम किया है, प्रधानमंत्री जी लगातार 24 घंटे किसानों के लिए लगातार नई नई योजनाएं कैसे उनको क्रियान्वित किया, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। लेकिन टाइमिंग पर तो सवाल उठ रहे हैं ना, चुनाव है शायद इसीलिए इतनी सौगात मिल रही है, ये अभय दुबे जी बखूबी पूछेंगे। ठीक है अभय दुबे जी, देखिए हमने देखा है ललितपुर से लेकर अशोकनगर तक खाद की लाइन में लगकर किसानों ने दम तोड़ दिया, आत्महत्या कर दी। आप इस शो को याद रखिएगा अर्पिता जी, उत्तर प्रदेश की चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की हार जिस दिन तय हो गई उस दिन समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी इस देश को मिल जाएगी, ये देश के लोग याद रखें, भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे जनहित की जीत है। ठीक है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, तो कुल मिलाकर किसानों का हितैषी कौन और किसानों के बारे में कौन सोच रहा है और कैसे होगा किसानों का भला, ये सबसे प्रमुख सवाल होना चाहिए जो राजनीति के बीच में कहीं दब जाता है, इसी को उठाने की कोशिश थी। एक छोटा सा ब्रेक,
तो दंगल में जब चर्चा शुरू हुई तो हर पार्टी अपने हिसाब से कह रही थी कि उन्होंने किसानों का भला सोचा, उसके हिसाब से काम किया। लेकिन इस चर्चा में तीन किसान नेता मौजूद थे, अलग अलग संगठन के जरूर हों, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि किसानों का भला उस लेवल पर, जिस लेवल पर होना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं। इसके लिए सिर्फ अभी की सरकार नहीं, पिछली सरकारें भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ कहने से सुधार नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि आखिरकार कौन करेगा और सिर्फ कौन कहेगा, इस पर भी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए।